छोटा सा मिसअप हो गया था, कार बिल्कुल मतलब जो था वो टायर के नीचे आ गया। आइए आज मैं दिखाऊंगा आपको दो ब्यूटी ब्लॉगर्स, ये देखिए जो इस फोन के थ्रू कर रही हैं मेकअप, और ये देखिए दिखाइए अपनी शक्ल, दिखाइए नेहा, लोग देखना चाहते हैं बिफोर मेकअप आफ्टर मेकअप, नेहा दिखाइए ये देखिए बिफोर मेकअप ये ऐसी दिखती हैं, ये देखिए नेहा तो अच्छी दिख रही है पर इसने मेकअप कर लिया ना 10 किलो। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे शीशा नहीं है, बट कोई इशू नहीं है, मेरे पास तो भाई मेरा कैमरा है मस्त, उसमें मैं बाल सेट कर लूंगा, मुझे बाल ही सेट करना है। सो गाइस वी ऑल आर रेडी, वो बात है करियो सर, मेरी बात कर ले, इधर दिखा, इधर लाइट इधर है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझे लटे सवार लूं हर अंग का। So guys, we all are ready as usual, लड़कियां मतलब हमेशा तो लेट लड़कियों को ही करना है। मैंने पहनी है वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स, हालांकि ये बहुत तगड़ी लग रही है, लेकिन द थिंग इज़ कि ये मैंने जब सिलवाई थी जब मैं पतला हुआ करता था, और आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ, क्योंकि ये फंस रही है मेरे को और सांस भी नहीं जा रही है, बट क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, जीन्स का ऑप्शन है, जीन्स में पहन के जाऊंगा बहुत कैजुअल हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, और अगर मैं सांस ना आने के कारण मर जाऊं तो आई वुड रिक्वेस्ट जो भी ये व्लॉग देख रहा है, इसका मतलब है तो नीलेश ने अपलोड किया है, या लव ने किया, या किसी ने किया है, और मैंने नहीं किया है। तुम दोनों फिर लेट आओ, क्या क्या मामला है, ये देखिए जादू कपड़े के पहली बार कैप्चर हुआ है मेरा, वो तो कैप्चर ही नहीं हुआ, फोटो तो है ना पूरा, फोटो आ सकता हूं ना, हां जी सब, वो तो घट गया, कोट लाना था, क्या ले आया, सूट ले आया, अब बहुत तेज भूख लगे, कुछ खाएंगे नहीं, पहले पैक कर लो, मेरे पापा मम्मी देखते हैं व्लॉग, पापा ये बोल रहे हैं, मैं तो पीछे से आ गई है, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट्स पी लो उसके शेक के, तो पैक किसके पीने हैं, पैक जूस के, जूस के पैक पीने, ये पैक क्या होता है, ब्लैक लेवल की बात कर रहे हैं, मैं तो ब्लैक लेवल, ब्लैक लेवल का होता है, सुना है मैंने, हम दोनों वैसे ऐसे लग रहे हैं हमारी प्लेसमेंट होने वाली है ना, प्लेसमेंट से आए हम लोग, हमें अभी देखो इसके बाद हमें इंटरव्यू देना है, कंपनी आई है हायर करने हम लोगों को, एप्टीट्यूड क्लियर कर लियो, पर हम मेरा हो जाएगा, नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तू भी घबरो, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो, हवा चाहिए इसलिए ड्रोन के नीचे घूम रहे हैं। हमने शायद ये स्पेशल डिमांड मोजो की है वीडियो बनाने की, इसलिए बन रही है नहीं, लेकिन हमने शायद कुछ शायद 20 मिनट डांस किया होगा, ये जो भी बोल रहा झूठ है। अच्छा कितनी देर डांस किया बताइयो, कम से कम आधा पौना घंटा, अरे साले पौने ग्यारह बजे गए थे, 11:20 हो रहे हैं, तो ठीक है 30 मिनट, मोर देन 30 मिनट, लेकिन हालत देख लो, आवाज आवाज आ रही है, हालत देख, कितनी भी लड़कियां मेकअप करके आई देख लो असली चेहरे, ये अभी भी असली नहीं है, अभी भी लगी है ये असली है, देखो देखो डरो इस चेहरे से, इनकी 20 परत में से अभी तक सिर्फ शायद 10 निकली है, 10 बाकी है, ये देखो इनके चेहरे धुलते हुए, ये देखिए पार्लर का सर है ये, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस करवा के आई है, तो इसका तो उतरेगा नहीं, पीओपी क्रीम नहीं सीधा पीओपी लगा के आई है, अंबुजा सीमेंट के साथ, हाय रब्बा हालात देखो, बर्फ भी चुरा के ले जा रहे हैं,
पानी की बोतलें और बर्फ बर्फ, क्योंकि जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे पानी नहीं, तो हम वी आर डूइंग स्मार्ट थिंग्स ब्रो। तो रिसेप्शन खत्म हो गया, काफी मजे आए, हम लोगों ने काफी डांस वांस किया, काफी खाया पिया, मतलब स्टार्टिंग में नहीं खाया लेकिन एंड में तो बहुत खाया ना। परम मैं खुद, और देख मेरा कैमरा भी थक गया, फोकस नहीं ले रहा, अब ले रहा है। कितने कितने फलूदा पेल लिए तूने? मैं 7-8। ओ भाई, पर पता है क्या है, पहले होता था मेरे साथ ऐसा कि मैं शादी में आता था ना, मेरे से खाया नहीं आता था। अब तो ऐसा होता है भाई, प्राइमरी थिंग है खाना खा लो, उसके बाद नाच लो। Hi guys, it's a new day, और अभी बज रहे हैं 11 एंड हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। रात को ऐसा कोई सोया नहीं और आई एम जस्ट हैविंग दिस पीनट्स। तो रात को कोई सोया नहीं है, बट स्टिल हम नहीं चाहते आज का पूरा दिन वेस्ट हो जाए। सो प्लान इज दिस, अभी हम लोग जाएंगे अनुज के घर पे जिसके भाई की शादी थी, देन मतलब रिसेप्शन था, मैं बार बार शादी बोलता हूँ, रिसेप्शन था, देन विल गो बैक टू होम। बीच में देखते हैं रुकते कि नहीं, अपडेट करता रहूंगा। और धूप बहुत है और गर्मी तो माशाल्लाह, और मैंने ब्लैक पहना है। ब्लैक मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं पतला लगता हूँ, ऊपर से मुझ पर अच्छा लगता है, तो ये दो रीजन है। वन मोर थिंग आई रियलाइज्ड यस्टरडे कि भाई मैं सच्ची में बहुत मोटा हो गया हूँ। मैंने जो पैंट पहनी थी ना वो इतनी टाइट थी, ऐसे फंस रही थी ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अभी ना मतलब जूस निकल जाएगा सारा। आई होप यू नो व्हाट आई मीन, ये इंडिकेशन है वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो चले मितवा हम फरीदाबाद, क्या हम कहाँ करते हैं, फरीदाबाद। चलो चले मितवा हम फरीदाबाद की गलियों में, यमुना नगर को यहीं पे छोड़ चले। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हरियाणा से कोई लड़की दिल्ली रहने लगी और फिर वापस हरियाणा में आए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे, ये देखिए, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी लड़की उसके पीछे भी है, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, ये रही। हेलो फ्रेंड्स, आपका कल क्या हुआ था? ये लड़की शॉर्ट्स पहन के आई थी, तो जिसके जिसके भाई की शादी, उसकी मम्मी बोलती कि नीचे की टांगे तो पहना। फिर नैना एकदम डोप बन के गई शादी में, तब उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा टांगे तो पहने लेकिन ऊपर तो कुछ पहना थी। बट आज कोई कमी नहीं निकाल सकती आंटी, क्योंकि आज तूने एग्जैक्टली बिल्कुल ये क्या पी रहे हैं हम? कच्चे लस्सी। इसको रूअफजा का पानी बोलते हैं बाय द वे, दिस इज रूअफजा वाटर। देयर इज नो रूअफजा इन दैट। हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो फ्रेंड्स। खत्म कर दे फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी सेवा है, सबसे ज्यादा पुण्य काम बोलते हैं प्यासे को पानी पिलाना है ना, आज इन्होंने हमारे लिए बहुत पुण्य काम किया है। मे गॉड ब्लेस देम। तो भी बेचारी नैना हमारी, नेहा हमारी मर जाती। ऑब्वियसली तुम लोग की तो बहुत फटी होगी, बट मुझे लगा मुझे मजाक कर रही है, मुझे पता है ना, मुझे ऐसी मजाक करता है घटिया घटिया, मैंने कहा कर रहा होगा मजाक। चलो किसी को लगी नहीं, कुछ हुआ नहीं, छोटा सा मिसअप हो गया था। कार बिल्कुल मटला भी था, वो टायर के नीचे आ गया और कार बिल्कुल इनकी ऐसे रेंगने लगी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था इन लोगों के लिए। बट आई रियली थैंकफुल टू गॉड कि किसी को कुछ हुआ नहीं है एंड एवरीवन इज ओके। पूछते हैं सबसे एक्सपीरियंस। पंकज, तुझे ज्यादा टेंशन एक्सीडेंट की थी, पापा की कार है इसलिए टेंशन थी। मेरे को जान की थी यार, बंदे थे साथ में। बेचारी ये मर जाती तो यार, ये इसका ही मेरे को बर्डन था। हमने गाना भी चला रखा था वो सजना वाला, ओहो नहीं जाना, नहीं जाना।
The good thing is everyone is safe. हाँ मैं भी बोल रहा हूँ किसी को कुछ हुआ नहीं तो that's a good thing. अच्छा ये पूरा निकल गया? अरे पूरा पहिया के नीचे आ गया था भाई. Oh fuck. इस पे तो पहिया घूम रहा था, इस पे पहिया घूम रहा है, पूरा स्किड खा रहा है. वैसे पंकज कुछ है मतलब जब भी तुझे कार लेके आता है ना कुछ ना कुछ होता ही है. तेरी गलती होती भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं कह सकते, नेचुरल. एंड वन मोर थिंग, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज तू कॉल करियो, मोचो को मत दियो. अपना पहिया देख रहा था मैं, कह रहा था ऐसा क्या किया था जो मेरी गाड़ियां उड़ सकती हैं. हां मैं कह रही थी चुतकर फट के हाथ में आ गए थे, कह रही को तो लगा कल क्या तो परम आज आपको क्या सीख मिली इस एक्सीडेंट से? मुझे मिला कि ड्राइविंग करते समय आप कभी ना हो. ये मैं कैसे ब्लॉग में डालूं कुत्ते? अच्छा जब भौंक दिया तूने. अच्छा मतलब ड्राइविंग करते समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए. तो उसका भी तो नहीं भटका था? उसका भटक गया था, नेहा ने भटकाया. ठीक है फटी पड़ी है ना यार, मुझे ऐसे लग रहा है उनको. कैसे लग रहा है उनको? सच बताए क्या हुआ था? सच बताए यार, हम आराम से चल रहे थे. फिर अरे बता ना. कुछ नहीं यार, फिर इतनी चुतड़ के फटे पड़े तेरे, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब ऐसे होएगा ना फटेगी और रात में आएगी. हुआ क्या था? अबे पता नहीं कई देर से गाड़ी स्लिट कर रही थी, स्लाइड स्लिट कर रही थी. अच्छा फिर कई देर से गाड़ी स्लाइड कर रही थी और हमने सोचा गाड़ी तो ऐसे चलती है स्लाइड कर करके. पंकज जी बोला अभी ऐसे कर क्यों रही है? फिर उसने बोला अभी पंचर हो गया क्या? हमने बोला चल ना छोड़, क्या चेक करे गाड़ी 90 का में भाग रही है, कह रहे पंचर हो गया क्या चेक कर रहे हैं कि चलना छोड़ चेक नहीं कर रहे. थोड़ी देर बाद आके जब वो इंसिडेंट हो गया ना जब फटी, सो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव वी हैव फाइनली रीच दिल्ली. और मैं आपको दिखाता हूँ नैना की फेवरेट जगह जो कि है ये पहाड़. अबे नदी का दिखा नैना. ओ सॉरी, ये नैना की नदी. नदी इंदर प्रस्थ में भी मिल रही है, नदी इसमें तैरते हैं. ये जो नैना, ये आपका नदी की नैना ही तैरती है. अच्छा नैना रोज नहाने आती है. एग्जैक्टली सुबह का मतलब कुल्ला तो इसी पानी से करती है और नहाती है सुबह. नैना की खूबसूरती का राज यही है, यही है. फिर नैना ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ पे जाती है उस पहाड़ पे. ये मेरे को स्टेमिना बनाना है. हाँ और अब ये लड़की भी इसका ग्रुप ज्वाइन कर रही है. सो अगर आपको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं नैना का नंबर नीचे डाल दूंगा. आपको बस आपको बस नैना को व्हाट्सएप करना है. पहाड़ का नाम है निनौड़ी पहाड़. देख रहे आपको 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 दिल्ली के बारे में कितना ज्ञान हम बांट रहे हैं, आपको कभी ऐसा ज्ञान मिला नहीं होगा और आज हम आपको बांट रहे हैं ना. नैना आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? है ना आप इधर हगती और इधर नहीं नहीं हगने वाली बात कर रहा था. ओहो हगती नहीं है ना, हगती नहीं है, स्टोर करके रखती है. गाड़ी का बार बार डीओ की हमारी गाड़ी में बार बार ये स्टोर है. फिर बायोडिग्रेडेबल गैस बनाती है, सिलेंडर भरती है.